तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेंडिंग डाइमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर स्टिरअप एज पर आईएस 2502। उसके अकॉर्डिंग इसका बेंडिंग डाइमेंशन कैसे निकालोगे, बेंडिंग कटिंग लेंथ कैसे निकालोगे, इस पे आज हम लोग वीडियो बनाएंगे। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा रिक्वेस्ट था कि सर आप तो हम लोग को बीबीएस सिखाए हो, कटिंग लेंथ निकालना भी सिखाए हो, लेकिन हम लोग जहां पे काम करते हैं वहां पे क्लाइंट बोलती है कि आपके इस तरीके को हम लोग नहीं मानेंगे, आपको एस पर आईएस कोड ही आपको बीबीएस सबमिट करना होगा। तो एस पर आईएस कोड आपको कटिंग लेंथ कैसे निकालना है, एस पर आईएस कोड आपको बेंडिंग डायमेंशन कैसे निकालना है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो हम लोग बेंडिंग डायमेंशन जो निकालते हैं किसी भी स्टीरअप का, वो किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, आईएस 2502 के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आज मैं आपको बताऊंगा रेक्टेंगुलर स्टीरअप का, जब वो आपका 135 डिग्री में उसका हुक यहाँ पे बेंड किया हुआ है तब, और जब आपका 90 डिग्री में बेंड किया हुआ रहता है इसका हुक तब। ठीक है, इस दोनों ही केस में मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला क्या होता है और निकालते कैसे हैं। तो छोटे से छोटे चीजों को समझाऊंगा, वीडियो थोड़ा बड़ा भी होगा तो देखिएगा पूरा, क्योंकि एक बार देख लोगे तो और मुझे नहीं लगता है कि कहीं और आपको देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू कहीं पे होगा तो वही बता दोगे आप। तो बेंडिंग डायमेंशन ऑफ ये, तो देखिए यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं कि ड्रॉइंग में क्या है। ये आप रेड कलर में देख रहे हो ना, ये आपका कॉलम है। ठीक है, आरसीसी कॉलम जो होता है वो आरसीसी कॉलम है। अब ये अंदर में आपका ये रिंग प्रोवाइड किया हुआ है और इसी का हम लोग बेंडिंग डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको कुछ लेट लेना होगा, क्या जानना होगा देख लीजिए। ये रिंग जो है, ये रिंग को बनाने के लिए हम लोग को यहां पे अंदर से अंदर का ये डायमेंशन चाहिए होगा। ठीक है, इस वे में भी और साथ में आपका इस वाई डायरेक्शन में भी, दोनों ही केस में हम लोग को इस रिंग के इनर डायमेंशन को चाहिए। ध्यान रखिएगा, इनर डायमेंशन, अंदर का डायमेंशन चाहिए, ना कि आपको सेंटर लाइन का डायग्राम चाहिए, ना ही आपका इस रिंग का आउटर टू आउटर डायमेंशन चाहिए, आपको इनर डायमेंशन चाहिए अगर आप एस पर आईएस कोड 2502 के अकॉर्डिंग करते हो तो। ठीक है, अब चलिए इसको मान लेते हैं लेट, इसको क्या क्या पकड़ा गया है। तो देखिएगा आईएस कोड में ये जो एक्स डायरेक्शन में ये लेंथ है इसको ई पकड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो वाई डायरेक्शन में है इसको ए पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ई हो गया और ये आपका ए हो गया। अब इस प्रॉब्लम को कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन खुद से कर लेते हैं। मान लेते हैं ये कॉलम जो है ये 400 बाई 600 का है, मतलब ये लेंथ जो है आपका 400 और ये ब्रेथ जो है आपका 600 हो गया। ठीक है, ये एक सेक्शन है, एक कॉलम का सेक्शन है, ये हाइट मत समझ लेना। बहुत कोई समझ लेते हो यार, पूछ लेते हो आप लोग भी, बहुत कोई समझते हो कि सर ये क्या क्या चीज बताते रहते हैं, जो एकदम इंजीनियर थोड़ी पूछेगा। भैया अगर मेरे वीडियो का आप कमेंट पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि पूछ देते हैं ऐसा भी सवाल हमसे, तो हमको चाहते हैं कि एकदम बेसिक चीज ही बता दें। ठीक है, बच्चा समझ के पढ़ाता हूं मैं आप लोगों को। तो ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। ठीक है, ये सेक्शन है, ये कॉलम को बीच से काट दोगे ना यहां से, और जब उसको ऊपर से देखोगे तो ऊपर से जो देख रहे हो वो चीज ये है आपका। ठीक है, तो चलिए कुछ गिवन यहां पे मैं देखता हूं जो हम लोग को काम आएगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, बेंडिंग डायमेंशन ऑफ स्टिरअप को निकालने में। तो सबसे पहला कॉलम साइज क्या है, कॉलम साइज, कॉलम साइज हम लोग देख लिए हैं कितना है, 400 बाई 600। ठीक है, 400 बाई 600, ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेथ हो गया बी। ठीक है, एल से लेंथ, बी से ब्रेथ, कॉलम साइज हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं क्लियर कवर या नॉमिनल कवर, जो भी बोलो आप। ठीक है, नॉमिनल कवर या और क्लियर कवर। ठीक है, इसको हम लोग यहां पे मान लेते हैं 40 mm, कॉलम है ना तो 40 mm पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब ये बहुत को ये भी पूछोगे कि क्लियर कवर क्या है भैया, तो आउटर मोस्ट स्टील से कॉन्क्रीट फेस तक का जो कवर, जो डिस्टेंस होता है उसको बोलता है क्लियर कवर। तो यहाँ पे क्लियर कवर क्या है मेरा, जैसे ये वाला हो गया, ये आउटर मोस्ट कॉलम का मेरा पार्ट हो गया सरफेस, और ये आउटर मोस्ट स्टील का सरफेस हो गया, तो इसके बीच का जो ये पार्ट है ये मेरा हो गया क्लियर कवर या नॉमिनल कवर, जो भी बोलो। ठीक है, ये इधर से कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया क्लियर कवर। तो क्लियर कवर समझ में आ गया, ये 40 mm लिया हूं मैं। अब ये रिंग की बात करते हैं, तो ये रिंग का मैं डाया पकड़ लेता हूं, मतलब ये स्टीरअप का, स्टीरअप्स डाया। ठीक है, और इसको मैं डी, स्मॉल डी से डिनोट कर देता हूं, और ये मैं मान लेता हूं 10 mm का है। ठीक है, ये हो गया मेरा 10 mm का। चलिए ये भी क्लियर हो गया, और मुझे नहीं लगता कुछ चाहिए होगा, लगेगा तो बाद में देख लिया जाएगा। तो सबसे पहला बेंडिंग डायमेंशन जो निकालना है, इसका जो कटिंग लेंथ हम लोग निकालेंगे ना,
मतलब इस तरीके का रिंग को, इस तरीके का स्टीरअप को बनाने के लिए हम लोग जो स्टील बार काटेंगे वो कितना लंबा काटेंगे, समझ में आ गया। मान लीजिए इसको तो हम लोग बेंड कर करके ये रिंग बना दिए, लेकिन जब बार बेंडर के पास जाओगे तो आपको तो बताना पड़ेगा भैया कि आपको इतना लंबा स्टील काटना है, तो कितना लंबा स्टील काटना है वही मैं निकालूंगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, कटिंग लेंथ, ये कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है। और देखिएगा आप ये बोल सकते हो कि आईएस कोड में जो दिया हुआ है ना वो अप्रॉक्स है। आप कभी भी आप जाओगे आईएस 2502 का क्लॉज, मुझे भी याद नहीं आ रहा है 3.1 समथिंग ऐसा कुछ है, तो एक बार आप देख सकते हो क्लॉज नंबर 3.1 में है शायद। तो 3.1 अगर देखोगे ना तो उसी में ये डाला हुआ है, जो लेंथ वहां पे डाला हुआ है ना वो अप्रॉक्स में ऊपर देखिएगा हेडिंग में लिखा हुआ है, तो वो अप्रॉक्स है। फिर भी अगर बहुत कोई क्लाइंट ऐसा करते हैं तो आप इनको बता सकते हो कि यहाँ पे अप्रॉक्स है नहीं कंसीडर करने के लिए, फिर भी नहीं मानते हैं तो कोई देना नहीं है आपको, तब करना होगा उस हिसाब से। तो इस हिसाब से कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए 2 into A + E + 24D, ठीक है। अब ये किस केस के लिए है भैया, ये 135 डिग्री केस के लिए है, जब आपका हुक जो है, ये हुक जो प्रोवाइड किया हुआ है, ये हुक अगर आपका 135 डिग्री बनाता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, समझ में आ गया। 90 में क्या यूज करना है मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 2 into A + E ब्रैकेट में प्लस 24D, ठीक है। अब जान लेते हैं ए क्या है, ई क्या है, डी क्या है। ए आपको पता चल गया यहां पे, ए क्या है, ये देखिए ये वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस रिंग का अंदर अंदर, और ई क्या है आपका, ये डिस्टेंस रिंग का अंदर अंदर, और 24 तो कांस्टेंट है। डी क्या है मेरा, डी देखिए मैंने यहां पे डाला हुआ है स्टीरअप्स डाया, ठीक है, 10 mm। क्लियर हो गया, सारी चीज समझ गया। तो लिए एक एक चीज करके निकाल लेते हैं, उसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए निकालते हैं, तो ए कैसे निकलेगा, ए निकालने के लिए ए कौन सा है मेरा, ए ये रिंग का अंदर से अंदर तक भाग है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, हम लोग को ये टोटल पता है, ये टोटल कितना है 600। इस 600 में अगर मैं इधर से कवर ऊपर से माइनस कर दूं और नीचे से कवर माइनस कर दूं तो हम लोग कहां तक आ जाएंगे, इस रिंग के आउटर टू आउटर में आ जाएंगे। और फिर जब रिंग का यहां से डाया माइनस करेंगे और रिंग का यहां से डाया माइनस कर देंगे तो हम लोग रिंग के अंदर अंदर में आ जाएंगे, करेक्ट। तो हम लोग क्या करना है, ये टोटल 600 से 2 क्लियर कवर माइनस करना है, एक यहां से, उसके बाद एक रिंग का डाया यहां से माइनस करेंगे, एक रिंग का डाया यहां से माइनस करेंगे तो अंदर अंदर में आ जाएंगे, बस वही करना है। तो यहां पे क्या माइनस करेंगे, सबसे पहला 600 माइनस करेंगे ना, तो 600 मेरा क्या है, देखिए बी, मैं यहां पे फॉर्मूला टाइप में लिख देता हूं, बी माइनस 2 into क्लियर कवर, सीसी मतलब क्लियर कवर, 2 into क्लियर कवर मतलब एक यहां एक यहां, और इसमें और क्या माइनस कर देना है, 2 into स्टीरअप्स डाया, ठीक है, स्टीरअप्स डाया, बस ये फॉर्मूला बन गया। इसमें वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू निकल जाएगा, तो चलिए निकाल देते हैं। बी कितना है, 600 लिखो, माइनस 2 into क्लियर कवर, ठीक है, क्लियर कवर कितना है मेरा, 40 है, तो 40 लिख दो यहां पे, माइनस 2 into स्टीरअप्स डाया, स्टीरअप्स डाया कितना है, 10 पकड़ा था मैंने यहां पे 10, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके निकालोगे ना तो आपका आएगा, माइनस कर दो, 600 माइनस 80 कितना हुआ, 520, 520 माइनस 20 कितना हुआ, 500, तो ये आ जाएगा आपको 500 mm, ठीक है, इसको रख दो। अब ए निकल चुका है हम लोग का, अब ई निकाल लेते हैं, तो ई निकालने का फॉर्मूला भी पूरा सेम रहेगा, ई निकालने का फॉर्मूला भी पूरा सेम। अब इस डायरेक्शन का लेंथ चाहिए ना, तो हम लोग को ये टोटल पता है कितना है, 400, इसमें दो साइड से क्लियर कवर ये माइनस करेंगे, यहां से क्लियर कवर, यहां से क्लियर कवर, और इस साइड से रिंग का डाया, इस साइड से रिंग का डाया, अंदर का ई निकल जाएगा सेम, बस बी की जगह क्या हो जाएगा, एल लेंथ जो था मेरा, तो एल माइनस 2 into क्लियर कवर माइनस 2 into स्टीरअप्स डाया, एसडी मतलब स्टीरअप्स डाया, ठीक है। अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, एल कितना है मेरा, 400 माइनस 2 into क्लियर कवर मतलब 2 into 40 माइनस 2 into 10, ठीक है, स्टीरअप्स डाया। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 400 माइनस 80, 320 माइनस 20, 300, 300, ठीक है, 300 mm, सारा कैलकुलेशन मिलीमीटर में हो रहा है यहां पे, ठीक है। तो चलिए ए निकल गया, ई निकल गया, और फॉर्मूला में क्या चाहिए निकालना, डी निकालना है, तो डी तो आपको पता ही है कि 10 है, बस आप फॉर्मूला में पुट कर देते हैं कटिंग लेंथ वाले में, तो सी एल कटिंग लेंथ, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 2 into A + E + 24D,
और ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये 135 डिग्री के लिए है, जब आपका हुक 135 डिग्री होगा, ठीक है हुक, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू ए प्लस ई, ए कितना है 500 और ई है आपका 300, तो 500 प्लस 300 प्लस 24 इंटू डी कितना है भाई, डी मेरा 10 है, 10, ठीक है। लिख के चलो कैलकुलेट करते हैं, ये टोटल लिख देते हैं कितना होगा, 500 प्लस 300 800, 800 टू जा 1600, 1600 ये हो गया, और इधर कितना हुआ 24 इंटू 10 240, ठीक है। कैलकुलेट करो कितना आएगा, 1600 200 1840, 1840 मिलीमीटर, हम लोग मीटर में लेंगे तो 1.84 मीटर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये आपका कटिंग लेंथ है, आपको ये स्टील बनाने के लिए आपको कितना लेंथ का स्टील काटना होगा, 1 मीटर 840 मिलीमीटर का, ठीक है, 1.84 मीटर का स्टील काटोगे तब जाके आपका ये शेप में ये पूरा बनेगा। अब यहां से बहुत जन का क्वेश्चन ये आएगा कि सर हुक यहाँ पे कितना, हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो भैया आईएस कोड एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से उसमें पकड़ा हुआ आपका हुक है तो वही यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसका ओपन करके ब्रेकअप आपका किसी भी आईएस कोड में नहीं दिया हुआ है कि एक्चुअल में यहाँ पे वो लोग हुक कितना पकड़ते हैं। लेकिन अगर आप इनर और आउटर डायमेंशन को सेटिस्फाई कर देते हो इस फॉर्मूला से, तो उसके बाद जो हुक आएगा वो स्टैंडर्ड सेटिस्फाई करता है आपके आईएस कोड का वो पार्ट, वो क्लॉज 3.1, तो आप वहां पे जज कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो उसको। तो इस तरीके से हम लोग एज पर आईएस कोड 135 डिग्री हुक के लिए हम लोग इस तरीके से कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये होगा कि जब 90 डिग्री होगा सर मेरा, तब हम लोग का फॉर्मूला में क्या चेंजेस होंगे, तो फॉर्मूला पूरा सेम रहता है, 24 की जगह ये 20D हो जाता है, क्लियर हो गया। तो देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 इंटू ए प्लस ई प्लस 20D, अगर 20D है तो ये 90 डिग्री के लिए है, ठीक है। अब देखिए भैया 90 डिग्री, बहुत जन को यही पूछोगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं 90 डिग्री में, तो देखो आपका स्टीरअप जब ऐसे ऐसे और ऐसे है और ऐसे घुमा हुआ है, आपका जो हुक है ना वो इस तरीके से 90 डिग्री में ही फिनिश हो गया है, उस केस में आपका जो फॉर्मूला आएगा एज पर आईएस कोड 2502 क्लॉज 3.1 के हिसाब से, तो आपका क्या आएगा फॉर्मूला कटिंग लेंथ का, आपका आएगा ये वाला 2 इंटू ए प्लस ई प्लस 20D, ये 90 डिग्री के केस के लिए, ठीक है। 35 डिग्री के लिए होता है 24D, तो ये प्रॉपर तरीका है आपका सारा ये निकालने का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा, अब कोई आपके मन में डाउट नहीं रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग को, पता है मुझे, आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट। तो इसी तरीके का बीबीएस से रिलेटेड वीडियोस अगर आपको और देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, और बीबीएस से भरा हुआ पूरा प्लेलिस्ट इस वीडियो में रखा हुआ है, आप जाके एक एक वीडियो को देख सकते हो और आराम से मजा लेके सीख सकते हो। तो वो सब वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं बहुत बड़ा बड़ा बीबीएस करके दिखाया हूं, क्योंकि उसके पीछे बहुत मेहनत पड़ती है। एक्सेल में करना बहुत आसान होता है, लेकिन थ्योरिटिकली करोगे ना तो बहुत मेहनत पड़ता है, और थ्योरिटिकली जब मैं समझाता हूं तो छोटा से छोटा पार्ट को आपको क्लियर करता हूं ताकि उसके पीछे का फंडा आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप जाकर वहां से सारा चीज देख लीजिए, आप ही का फायदा होगा। तो बस इसके बाद एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक सिविल इंजीनियर भाई के साथ या एक अपने जूनियर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।